बापूजी सिर्फ जेल में ही नहीं है, बापूजी हमारे दिलों में भी हैं। तो लाख कोई भटकाने की कोशिश करे, लेकिन हम भटकते नहीं हैं, और हमारा लगा है जब तक हमारे तन में ताकत रहेगी तब तक हम लोग आते रहेंगे। हम लोग इतना साल से आ रहा है, हर शिविर में आता है, कुछ ऐसा हम लोग गलत नहीं देखते। कुछ षड्यंत्रकारियों ने उन्हें फंसा करके जेल में डाला हुआ है, जो भारत की संस्कृति के लिए ठीक नहीं है। आखिरी सांस तक, जीवन के आखिरी क्षणों तक हमारे श्रद्धा भक्ति बापूजी के चरणों में ज्यों का त्यों रहेगी। हिंदू समाज को बढ़ाने के लिए उन्होंने जो काम किया है ऐसा कोई संत किया नहीं था। हम तो सरकार से यही मांग करेंगे कि जल्द से जल्द बापूजी को हमारे बीच में लाएं, और इसी में देश की, समाज की और पूरे विश्व की उन्नति है। और एक आश्चर्य की बात है कि बापू पे इतने गंभीर आरोप लगे। बापू 6 सालों से जोधपुर जेल के अंदर बंधे, बापू को आजीवन कारावास तक की सजा हो गई, लेकिन आज भी ये भक्त बापू को निर्दोष मानते हैं, आज भी ये भक्त बापू को भगवान मानते हैं, और लगातार सरकार से भक्त लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। विनोद यादव, मुंबई से आया हूँ। कितने लोग आए? 18 लोग। मतलब हर साल आते हो जन्माष्टमी? जी जी। तो बापू तो जोधपुर जेल के अंदर बंद है, उसके बावजूद यहाँ आए हो? बापू जी सिर्फ जेल में ही नहीं है, बापू जी हमारे दिलों में भी हैं, और हम मतलब आखिरी सांस तक इसी तरह आते रहेंगे। मतलब आज भी श्रद्धा बरकरार है? मतलब आज भी और आखिरी सांस तक, जीवन के आखिरी क्षणों तक हमारी श्रद्धा भक्ति बापू जी के चरणों में ज्यों का त्यों रहेगी। जब हम बापू जी से नहीं जुड़े थे तब हमारे जीवन मतलब बड़ा सामान्य जीवन था, और लेकिन जब बापू जी से जुड़े तब हमारे जीवन में बड़ी आध्यात्मिक प्रगति हुई। हमको ठीक तरह से जीना बापू जी ने सिखाया, मतलब हमारे जीवन में सुख शांति आनंद की बहुत सारी अनुभूति हुई, जो हमारे भीतर की चीज़ है, और बाहर भी हमारे बहुत सारे जैसे कि शरीर के विघ्न बाधाएँ, रोग बीमारी कष्ट मिटे, और बहुत सारे परिवर्तन हुए जो शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। क्या मांग करोगे सरकार से? हम तो सरकार से यही मांग करेंगे कि जल्द से जल्द बापूजी को हमारे बीच में लाएं, और इसी में देश की, समाज की और पूरे विश्व की उन्नति है। क्या नाम है आपका? हाँ, हमारा नाम श्यामबली यादव। आप भी बम्बई से? बम्बई से आए हैं हम, 18 लोग आए हैं बम्बई से, और हमेशा आते हैं। हमने जब गुरु दीक्षा नहीं लिया था तो हमारा जीवन बहुत व्यस्त था, मतलब बहुत तन मन धन सबसे हम दुर्बल थे, और जब से ले लिए दीक्षा तब से हमारा बहुत विकास हुआ है, और हमारी श्रद्धा इतनी जम गई है कि मतलब हमको लाख कोई भटकाने की कोशिश करे, लेकिन हम भटकते नहीं हैं, और हमारा लगा है जब तक हमारे तन में ताकत रहेगी तब तक हम लोग आते रहेंगे। हम लोग हमेशा आते हैं, 5 शिविर हम हमेशा साल में 5 शिविर भरते हैं, और हर पूर्णिमा को भी हम यहाँ आते हैं। बापू पे जो आरोप लगे, बापू जोधपुर जेल के अंदर बंद है, उसके बारे में क्या कहोगे? तो सर, राजनीतिक षड्यंत्र रचाया गया है, ये लोगों ने रचाया है। बापू जी धर्म के लिए जो बोलते हैं और नशाखोरी छुड़वाने के लिए जो बोलते हैं, बाकी विदेशी कंपनियों का जो लाश हुआ वो लोगों ने इनके तहत एक षड्यंत्र रच के उनको ऐसा किया है, और बापू जी आएंगे, हम लोग के बीच में आएंगे, हमारी पूरी श्रद्धा भावना है। सरकार से क्या मांग करें? सरकार से हम यही मांग करेंगे कि आप समाज और धर्म की रक्षा के लिए, अगर कोई भी संत को अगर आप लोग ऐसा करते हो तो इसमें बहुत बड़ी संस्कृति की और धर्म की नुकसान हो रहा है। आप समाज को बचाना है, धर्म को बचाना है, तो बापू जी को बीच में लाइए, जिन्होंने सबको जोड़ने का काम किया है। धर्म मंच के अध्यक्ष हैं बापू जी, और हिंदू समाज को बढ़ाने के लिए उन्होंने जो काम किया है ऐसा कोई संत किया नहीं था। हम सरकार से यही चाहेंगे कि सरकार जल्दी से जल्दी बापू जी को मतलब रिहा करे, और बापू जी हमारे बीच में। क्या नाम है? मेरा नाम अरविंद यादव है, बॉम्बे से आए हैं। इन लोगों के साथ ही आए हो? 18 सालों से जुड़े? हम 20 साल से जुड़े हुए। 20 साल। ये जो बापू पे जो आरोप लग रहे, बापू जोधपुर जेल के अंदर बंद है, उसके बारे में क्या कहो? बापू जोधपुर जेल में है, ये तो कुछ षड्यंत्रकारियों ने उन्हें फंसा करके जेल में डाला हुआ है, जो भारत की संस्कृति के लिए ठीक नहीं है। क्या मांग करोगे सरकार? हम सरकार से ही मांग करेंगे कि उन्हें अब ज़्यादा कुछ हमें कहना नहीं, फिर भी वो अगर छोड़ दें तो भारत के लिए हित होगा। महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। माता जी, क्या नाम है आप? हमारा नाम शारदा यादव है। कितने सालों से आते हैं? हमको हो गया गुरु मंत्र भी लेने 25 साल हो गया। 25 साल हो गया। हाँ। तो बापू पे जो आरोप लग रहे, बापू जोधपुर जेल के अंदर बंद है, उसके विषय में क्या कहोगे? वो तो सब गलत है, गलत है और गलत रहेगा। सच्चाई तो कभी निकली ना निकलेगी। बाबू जी के झूठा झूठा जो आरोप ये लग रहा है, लगाने वाले इतना लगा रहे, जरा आके देखें तो
आके देखे क्या सच्चाई क्या झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ वो लोग तो बोल रहे हैं तो बापू के अंधभक्त है, अंधश्रद्धा है, बोले यहाँ गलत काम होते हैं, तो क्या कहोगे उन लोगों को? कुछ ना गलत बोल रहे हैं, गलत बात वो लोग का है, ये कुछ सच्चाई उसमें है ये नहीं है। अरे जब झूठ सही के झूठ बनाएंगे तो थोड़ी होगा, वो गलत तो गलत रहेगा, सत्य सत्य रहेगा। हमारा बाबू जीवन में कभी भी गलत नहीं करे हैं, ना होता। भक्त लोग तो कैसे जीते हैं, कैसे रहते, भक्त लोग जानते हैं। तो अभी मैं फरवरी की बात बता रही हूँ कि मेरा देखो पैर, डॉक्टर बोल दिया कि अभी तुम्हारी अंगूरी इतना सड़ चुकी कि निकल जाएगा, लेकिन मेरा गुरुजी का नाम का सुनने से अभी भी मेरा पैर सही हो गया है। अब भगवान मेरे को जब से गुरु शरण में आई मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, और मैं आती रहूँ, मेरा परिवार जुटा है, सब लोग आएंगे, मैं भी आएगी। अभी एक कान्हा के रूप में देखो मेरा ये नाती आ गया है, इनको देख लो, ये भी कान्हा आ गए हैं, मेरा नाती हो गया है, और बहुत सब बहुत सुखी परिवार मेरा है। लेकिन ये गलत बात है, मतलब आरोपों में कोई सच्चाई कुछ नहीं, कुछ सब गलत। बापू को निर्दोष मानते? हाँ मैं मानी हूँ और मानूंगी, अब सब भक्त हमेशा ही मानेंगे। क्या मांग करोगे सरकार से, महिला हो? सरकार से तो हम लोग बहुत दिन से मांग कर रहे हैं, सरकार हम लोग को सुन रही है क्या? नहीं सुन रही है। जो गलत कर रहे हैं वो बाहर आ रहे हैं, बाबूजी हमारे सत्य हैं, फिर बाबूजी के गलत हमारे कभी हो नहीं सकते हैं, एक गलत आरोप है। क्या नाम है? सरोजा यादव। कितने सालों से जुड़े हो? 20 साल से। ये बॉम्बे से आए? हाँ, बॉम्बे से। जो बापू पे जो आरोप लग रहे हैं उसके बारे में क्या कहोगे? ऐसा तो कुछ हम लोगों ने नहीं देखा है, और ऐसा आरोप सीधे सब गलत है सब, ऐसा कुछ हम लोग इतना साल से आ रहा है, हर शिविर में आता है, कुछ ऐसा हम लोग गलत नहीं देखते हैं। आज भी बापू को निर्दोष मानते हैं? आज भी निर्दोष, और लास्ट टाइम तक हम लोग निर्दोष ही मानेगा। आपने देखा ये 18 लोग आए बॉम्बे से आए, संत आसाराम जी बापू आश्रम में जन्माष्टमी महोत्सव निमित्त आए, बापू 6 सालों से जोधपुर जेल के अंदर बंद है, लेकिन ये भक्त तो यही बोल रहे हैं कि आज भी बापू हमारे दिल में बंद है। और एक आश्चर्य की बात है कि बापू पे इतने गंभीर आरोप लगे, बापू 6 सालों से जोधपुर जेल के अंदर बंद है, बापू को आजीवन कारावास तक की सजा हो गई, लेकिन आज भी ये भक्त बापू को निर्दोष मानते हैं, आज भी ये भक्त बापू को भगवान मानते हैं, और लगातार सरकार से भक्त लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। कैमरा मैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम, जहांगीरपुरा, सूरत से रफ्तार न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं, नए वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल।